हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुरकुरे मोमोज की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये मोमोज, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे FB पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से बनाते हैं ये भी टेस्टी सी कुरकुरे मोमोज। तो सबसे पहले मैं स्टफिंग रेडी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए डाल दिया है कढ़ाई में 2 चम्मच तेल। हल्का सा तेल को गरम करेंगे और 1 चम्मच ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। हल्का सा इसे भूनना है। तो हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमें हल्का सा भूनना है 1 मिनट के लिए। अभी अच्छे से भून चुका है 1 मिनट तक। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी की सब्जियाँ। सबसे पहले मिला दिए कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और कद्दूकस की हुई बंद गोभी। तीनों चीज़ों को मिलाएंगे और मीडियम आंच पर हमें इसे 1 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर 1 मिनट मैंने इन्हें भूना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है इसकी स्टफिंग, क्योंकि जो इसकी चटनी होती है बहुत स्पाइसी होती है। आप इसकी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो स्टफिंग है ये हमें भूननी है 4 से 5 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर। यहाँ पर ये स्टफिंग जो है अच्छे से रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए कुरकुरे का पैकेट। इसको ओपन करेंगे और इसकी जो हवा होगी उसे थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे और इसे एक बेलन की हेल्प से इस तरह से हम तोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पर हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए ले लिया 1 बड़ा कप मैदा का और थोड़ा सा नमक उसमें मिलाएंगे और 2 से 3 चम्मच हमें मिला देने इसमें तेल के। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो डो है वो मैंने तैयार कर लिया है और अब हमें इसे गीले कपड़े से ढककर रखना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो इसको हम कवर कर देंगे गीले कपड़े से और रख देंगे साइड पर। 10 मिनट के बाद ये जो डो है इसे हमें 2 मिनट के लिए मसल लेना है और एक सॉफ्ट डो बनाना है। जो डो होगा ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए, बस इस तरह का सॉफ्ट सा डो होना चाहिए। तो अब ये डो तैयार है। अब हम इससे लोइयाँ तैयार कर लेंगे छोटी छोटी। इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे बोल्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम एक एक करके एक बोल को बेलेंगे। एक लोई ली है, इससे हम हल्का सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। और इसे हमें ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पर हमें बेल लिया है। तो अब हम करेंगे इसके बीच में स्टफिंग। जो स्टफिंग की फीलिंग होती है वो भी हमें तभी करनी चाहिए जब स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होगी। गर्म में अगर करेंगे तो वो फट जाएगा और अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ साइड पर हम लगा देंगे पानी और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे साइड से और इस तरह से आपस में इसको चिपकाएंगे। और ये इस तरह से हमें मोमोज तैयार कर लेने हैं सारे। एक में इस तरह से आपको लंबे बनाने सिखाए और एक में आपको बताती हूँ कि गोल भी हम बना सकते हैं मोमोज। तो साइड पर इस तरह से रोटी बेली और साइड पर इसके पानी लगा देंगे। और अब इसके बीच में हमें कर देनी है स्टफिंग। और इसके लिए हमें सारी साइड से इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और अब इकट्ठा करेंगे इस तरह से और ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो ये गोल वाले मोमोज तैयार हैं। अब हमें एक घोल तैयार करना है कॉर्नफ्लोर का। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची का पाउडर मिला दिया है। और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी और एक थोड़ा सा पतला इसका जो घोल है होना चाहिए। ये मोमोज हमें फ्राई करने हैं और ये घोल इसलिए बनाया है ताकि जो हम बाद में इसके ऊपर कुरकुरे लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाएं। तो यहाँ पर मैं प्लेट में जो कुरकुरे हमने तोड़े थे उसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर कुरकुरे थोड़े से मोटे रह गए तो मैंने हाथ से अच्छे से और बारीक कर लिए हैं।
आप और बारीक चाहें तो आप मिक्सी में पीस लीजिएगा। और यहाँ पर मोमोज भी तैयार है। अब करना क्या है, हमें एक मोमोज को लेना है। सारे मोमोज की मैंने रेडी किया है और अब एक एक करके हम इनको कोट करेंगे कुरकुरे से। तो सबसे पहले हमें करना है, एक मोमोज लेंगे और एक हाथ को हम सूखा ही रखेंगे, क्योंकि अगर दोनों हाथ हम इस घोल में लगा देंगे तो अच्छे से वो चिपका नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम डिप करेंगे इस घोल में मोमोज को और ऊपर कोट कर देंगे कुरकुरे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कुरकुरे लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे मोमोज को रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। एक बार तो ट्राई करना बनता है, ये ऐसी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरे वाला मोमोज है उसे भी कोट कर दिया है, डिप कर दिया है घोल में और अब कोट कर देंगे कुरकुरे से। आप कुरकुरे की जगह कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं उसे भी पीस कर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे कुरकुरे मोमोज रेडी करूँगी इस तरह से। और अब बारी आती है फ्राई करने की। तेल लेंगे, तेल को हम बहुत तेज अच्छे से गर्म कर लेंगे और कुरकुरे को इसमें डालकर फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक दो बार बीच में हम इसे हिलाएंगे। तो ये जो कुरकुरे हैं मोमोज हैं वो फ्राई हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम निकाल लेंगे इन्हें तेल में से और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे मोमोज की चटनी के साथ और मेयोनीज के साथ। दोनों के साथ ही मोमोज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ट्राई करिए और बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।